पश्चिम बंगाल के वर्धमान में अमित शाह का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा वार, कहा मां माटी मानुष की जगह ममता बना रही है मुल्ला मदरसा माफिया सरकार। मां माटी माटी और मानुष की बात कर आई थी और सरकार बन गई मुल्लाओं की मदरसों की और माफियाओं की सरकार। अमित शाह बोले इस चुनाव में होगा निर्णय, बंगाल राम राज्य चाहता है या परिवारवाद। अमित शाह बोले ममता ईडी और सीबीआई छापे को मुद्दा बनाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि टीएमसी के मंत्रियों के घरों से छापे में पैसे बरामद होते हैं। अमित शाह का आरोप सिर्फ तुष्टिकरण के लिए, एक महिला मुख्यमंत्री ने संदेशकाली में महिलाओं पर अत्याचार होने दिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने की रैली, उमड़ी जबरदस्त भीड़। योगी बोले जो बंगाल भारत की सभ्यता संस्कृति का पहचान हुआ करता था वो बंगाल आज लहूलुहान। योगी बोले जिन कारणों से 1947 में भारत का विभाजन हुआ वही परिस्थितियां आज कांग्रेस और टीएमसी देश पश्चिम बंगाल में पैदा कर रही है। योगी बोले मुस्लिम आरक्षण की वकालत करने वाले एक बार फिर मजहबी आधार पर विभाजन की आधारशिला सुदृढ़ कर रहे। इनके द्वारा मुस्लिम आरक्षण की वकालत करना, धार्मिक आधार पर मजहबी आधार पर एक बार फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला को सुदृढ़ करने जैसा है। कर्नाटक के हासन सेक्स स्कैंडल पर जेडीएस कोर कमेटी की हुबली में बैठक, प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस ने किया सस्पेंड। सेक्स स्कैंडल में एसआईटी कर रही है जांच, रिपोर्ट पूरी होने तक प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस से सस्पेंड रहेंगे। हासन सेक्स टेप मामले में प्रियंका गांधी ने मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा, बोली ऐसा अपराध कर आरोपी देश छोड़ने में कैसे सफल हो गए। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है। हासन सेक्स टेप मामले को लेकर जारी राजनीति में ओवैसी ने तीखे बोल बोले, बोले मोदी को इस मामले पर अब बोलना ही होगा, कोई मुसलमान होता तो तुरंत एक्शन ले लेते मोदी। सेक्स स्कैंडल को राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान में लिया, कर्नाटक पुलिस से 3 दिन के अंदर मांगी गई रिपोर्ट। हुबली में जेडीएस की बैठक के दौरान हंगामा, कांग्रेस और जेडीएस कार्यकर्ताओं की झड़प, पुलिस ने कई को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, रेवन्ना सेक्स स्कैंडल का उठाया मुद्दा। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा के विरुद्ध महिलाएं मुखर हुई, निजी लाभ के लिए संदेशकाली को मुद्दा बनाने का लगाया आरोप। दिल्ली में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, कांग्रेस के विरुद्ध ओबीसी कोटे से मुस्लिम आरक्षण देने का उठाया मुद्दा। महाराष्ट्र के माढ़ा में मोदी ने की रैली, 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का दावा किया। मोदी बोले महाराष्ट्र की जनता जब आशीर्वाद देती है तो कोर कसर बाकी नहीं रखती, लेकिन वादा न पूरा करने पर सूद समेत वसूल भी लेती है। मोदी बोले 15 साल पहले कांग्रेस के एक नेता ने यहां शपथ लेकर कहा था कि सूखे से छुट्टी दिलाऊंगा, उनका वादा पूरा नहीं हुआ, अब उन्हें दंड देने का समय आ गया। विदर्भ मराठवाड़ा को बूंद बूंद तरसाने का काम 60 वर्षों तक होता रहा, कांग्रेस ने इस दौरान किसानों के खेतों तक पानी तक नहीं पहुंचाया, ये मोदी ने बोला। मोदी ने राहुल के एक्सरे और सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान का उल्लेख किया, कहा कि कांग्रेस आपका लॉकर खंगालेगी। मोदी बोले कांग्रेस राज में आपकी विरासत पर नहीं होगा आपके बच्चों का अधिकार, कांग्रेस छीन लेगी आपकी जमीन आपका घर आपका सब कुछ। अगर आपके पास 10 एकड़ की जमीन है, अब आपको 10 एकड़ की जमीन बच्चे को नहीं दे पाएंगे, 5 एकड़ सरकार ले लेगी। आपने गांव में घर है,
शहर में घर बनाया है तो घर गया समझ लीजिए। अब मुझे बताइए, आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? मोदी बोले, कांग्रेस कहती थी कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, राम मंदिर बना कहीं क्या आग लगी? मोदी बोले, कांग्रेस सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही, सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इतनी सीटों पर उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए। मोदी के लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ एनडीए उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखा, वरिष्ठ नेता आपके योगदान के साथ आप चुनाव की चुनौतियों का समय। शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत का बड़ा बयान, गुजरात दिल्ली वाया महाराष्ट्र में भटक रही है मोदी की आत्मा, क्योंकि महाराष्ट्र में होगा बीजेपी का अंतिम संस्कार। ये आत्मा जो दिल्ली से और गुजरात से वाया गुजरात महाराष्ट्र में आती है प्रधानमंत्री जी की, वो बार बार महाराष्ट्र में क्यों भटक रही है? इसलिए भटक रही है कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए 4 जून के बाद एक शमशान की तरह होने। गुजरात के पाटण में रैली में बोले राहुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नई संसद राम मंदिर के उद्घाटन में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची है, उनको जाने तक नहीं दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोलकाता में किया प्रचार, प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में हिस्सा लिया। गुवाहाटी में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हम तेजी से 400 पार के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, अब तक हुए 2 चरणों के चुनाव में 100 से अधिक सीटें हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं। अमित शाह बोले, कांग्रेस बीजेपी पर संविधान संशोधन आरक्षण समाप्त करने का आरोप लगा रही है, ये झूठा आरोप है, बीजेपी आरक्षण की समर्थक है, धर्म आधारित आरक्षण की विरोधी है। अमित शाह बोले, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में कांग्रेस ने डाला डाका, आंध्र प्रदेश में ओबीसी कोटे में मुसलमानों के आरक्षण की पहल की। एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला। अमित शाह ने कांग्रेस पर खुद का फेक वीडियो प्रचारित करने का आरोप लगाया, बोले ये कांग्रेस की हताशा का प्रतीक, सही वीडियो पोस्ट कर मैंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। असम में फर्जी वीडियो मामले में एक को गिरफ्तार किया गया, अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री को तलब किया गया, 5 लोगों से पूछताछ होगी कुल। अमित शाह बोले, बीजेपी 400 पार सीटें देश को आगे ले जाने के लिए मांग रही है, कांग्रेस की तरह आपातकाल लगाने के लिए नहीं। अमित शाह ने कर्नाटक में रेवन्ना सेक्स स्कैंडल पर कहा, ऐसा कृत्य क्षम्य नहीं, देश और बीजेपी मातृशक्ति के साथ खड़ी है, बोले प्रियंका मोदी शाह के बजाय अपने सीएम और डिप्टी सीएम से सवाल करें। सरकार किसकी? सरकार कांग्रेस पार्टी की। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं, और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? अमित शाह ने राहुल की अमेठी, प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर चुटकी ली, बोले दोनों नहीं लड़ेंगे, अमेठी से हार के बाद राहुल अब वहां कभी लड़ ही नहीं सकते। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले में विशाल रैली, रात 8 बजे अहमदाबाद में अमित शाह फिर से करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रियंका, करेंगे सिर्फ प्रचार, सूत्रों के हवाले से आई खबर। राहुल की अमेठी से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस है, कल तक निर्णय संभव। अमेठी रायबरेली से उम्मीदवारों के ऐलान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज तक से कहा, मैं नाम लेने की स्थिति में नहीं, 2 मई तक आ जाएंगे नाम।